भीमराव अंबेडकर पर 10 वाक्य। पहला, भारत के प्रथम कानून मंत्री डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म मध्य प्रदेश के महू नगर में हुआ था। दूसरा, इनका जन्म 14 अप्रैल 1891 में एक सैन्य छावनी में दलित परिवार में हुआ था। तीसरा, इनके पिताजी रामजी मलोजी सकपाल ब्रिटिश भारतीय सेना के सूबेदार थे। चौथा, माता भीमाबाई के 14 संतानों में ये सबसे छोटे थे। पांचवा, उस समय बाबा साहेब अछूत वर्ग से मैट्रिक पूरा करने वाले पहले व्यक्ति थे। छठा, ये कोलंबिया विश्वविद्यालय एवं लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स दोनों से डॉक्टरेट किए थे। सातवां, अपने जीवन भर उन्होंने अछूतों की समानता के लिए संघर्ष किया। आठवां, बाबा साहेब अंबेडकर को भारत का संविधान निर्माता कहा जाता है। नौवां, 1990 में इन्हें मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया। दसवां, मधुमेह बीमारी से पीड़ित बाबा साहेब का 6 दिसंबर 1956 को निधन हो गया। धन्यवाद। इसी तरह और भी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा।